बांग्लादेश के क्रिकेट फैन टाइगर रॉबी, आपने उनको देखा होगा बांग्लादेश के अक्सर व बेशतर मैचेस में, वो आपको स्टैंड्स में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बांग्लादेश के सुपर फैन की लड़ाई हो गई है कानपुर टेस्ट के दौरान पहले दिन में ही, और लंच ब्रेक में जनाब लोग ये बताते हैं कि कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस ने रॉबी को ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाई है, मतलब ठीक ठाक कूटा है। और वो रॉबी का तो अपना बयान गया कि मेरी बैक साइड पर मारा गया है, मेरे पेट में मारा गया है, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो स्टैंड सी स्टैंड है कानपुर का, कानपुर के स्टेडियम का, ये इंसिडेंट वहाँ पर पेश आया है। हुआ यह कि जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस वहाँ पर साइड पे खड़ी थी, रॉबी उन तक पहुँचा है, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, सांस इसका फूला हुआ था, इससे बात नहीं की जा रही थी, पुलिस वालों ने इसको चेयर दी तो ये बेचारा चेयर पर बैठने के बजाय ज़मीन पर गिर गया। वहाँ पर भगदड़ मच गई कि यार ये क्या सीन हुआ है। वो इन दी मीड टाइम वो हल्का फुल्का बोलकर उसने बताया कि यार मेरी इस तरह लड़ाई हुई एंड ऑल दैट। पुलिस वालों ने उसको उठाया, एम्बुलेंस पता किया तो एम्बुलेंस को आने में टाइम लग रहा था, पुलिस वालों ने उसको उठाया और वो ले गए नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में, और वहाँ पर अभी वो जैसे कहते हैं एडमिट है। जो वहाँ पर बाकी लोग हैं, जितनी मैंने अभी तक न्यूज़ रीड की हैं, जितने बाकी मैंने पढ़ा है, तो वो ये बताते हैं कि यार ये वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, फ्लैग लहरा रहा था बांग्लादेश का, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, जैसे कहते हैं नारे वारे लगा रहा था, और इसमें कोई इतनी जैसे कहते हैं दिक्कत वाली ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ ये कर रहा था ना, तो वहाँ पर कुछ और इंडियन क्रिकेट फैंस थे, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। पहले स्टार्ट हुई है जिसे कहते हैं मुँह मारी टाइप जबान से एंड ऑल दैट। फिर ऑब्वियसली ये एक था, वो जारी बात है ग्रुप में होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच तो लोग नॉर्मली ग्रुप में ही देखने जाते हैं, दोस्त यार ये वो, तो वहाँ पर ना फिर बात पहुँच गई हाथापाई तक, और उन्होंने जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस थे उन्होंने इसको ठीक ठाक मारा है। अच्छा, पुलिस ये कहती है कि नहीं, हमारा तो बंदा वहाँ पर स्टैंड्स में मौजूद था, पुलिस ऑफिसर एक मौजूद था और वो फैंस के ऊपर नज़र रखे हुए था किस किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो। तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं हुई, उनको ये लगता है कि ये कोई डिहाइड्रेशन का केस है, गर्मी बहुत थी, हब्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है कि ये चूँकि एनिमेटेड किस्म का करेक्टर है तो वो इसको क्या उसको कहेंगे, सांस वगैरह फूल गया इसका, इसको डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी, तो इसकी वजह से ये फेंट हो गया। जो पुलिस है ना कानपुर की, उसका ये वर्डिक्ट है। अब मैं देख रहा था आगे पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो कानपुर की पुलिस का इस बारे में मजाक उड़ा रहे हैं कि यार डिहाइड्रेटेड बंदे की ये हालत नहीं होती कि इसको आपको उठाकर लेकर जाना पड़े। और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर डिहाइड्रेशन का केस होता तो वो ये क्यों कहता वहाँ पर लोगों के सामने कि जी मुझे मारा गया है, मुझे हैकल किया गया है, मुझे जिसे कहते हैं बीटन अप हुआ हूँ मैं, तो वो। और ये इंडियन क्रिकेट फैंस ये सवाल कर रहे हैं ना कि फिर ये वो क्यों कह रहे हैं। तो इवेंचुअली मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स इसके बारे में देखी है ना, वहाँ पर कानपुर पुलिस का जो ये वाला एनालिसिस है ना कि ये डिहाइड्रेशन का केस है ये वो, तो इसे कोई भी नहीं बाय कर रहा, इंडियन मीडिया नहीं इसे बाय कर रहा। और छोड़ के वहाँ मैंने जितनी न्यूज़ पढ़ी है इंडियन वेबसाइट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी ने यही लिखा हुआ है कि इसको मारा गया है, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसको ठीक ठाक किस्म का मारा गया है, और मारा वाकई बैक साइड पर भी गया और एब्डोमिन में भी, तो इसी वजह से वो फेंट भी हुआ, इसी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वाकई आपकी एब्डोमिन में ठीक ठाक किस्म का जब प्रेशर कोई आपको मारे या कोई चीज़ लगे तो आपका एकदम से सांस उखड़ जाता है, सांस रुक जाता है। तो ये टाइगर रॉबी के साथ यही हुआ है, जो कि बहुत गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत गलत है यार। अगर जैसा तैसा भी है, बिलफर्ज मैं ये पुटअप करता हूँ कि अगर इसने कोई ऐसी बात कर भी दी थी तो यार है तो मेहमान, तो इसको दरगुजर कर देते, साइड करा देते। अब बुनियादी तौर पर आपने इसको बीटअप कर दिया है और उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो एक रेपुटेशन है उसके ऊपर जाकर डेंट पड़ गया है कि यार ये तो भाई अगर दूसरे क्रिकेट फैंस को तो ये मारना धाड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश की एक राइवलरी है, उसके क्रिकेट फैंस की आपस में नहीं बनती, ये मुझे पता है, मैं कौन सा किसी मरीख पे रहता हूँ या मार्स पर नहीं रहता। आई नो के बांग्लादेश की और इंडिया के क्रिकेट फैंस की सोशल मीडिया के ऊपर आपस में नहीं बनती, ये एक दूसरे के साथ खारम खारी में रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये जहालत का मुजाहरा करना शुरू कर दें कि आप मार धाड़ पर उतरें। हाँ, आप यानी कि जिसे कहते हैं बिल्कुल सीधे हो जाएं, आप कहें जी के खबरदार तूने कोई झंडा लहराया या स्लोगन किया मारा या कोई अपनी टीम के हक में कुछ बोला तो हम तुझे पेल के रख देंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस ये देखें ना कि अगर किसी के वाइस वर्सा किसी इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये सब कुछ हो बांग्लादेश के अंदर तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली यू विल फील, मतलब आपको बुरा लगेगा, आप टेंशन में आओगे, आपको आपको गुस्सा भी चढ़ेगा,
अभी ये जो खबरें निकल कर सामने आ रही है बांग्लादेश में जो हिंदूज़ के साथ हो रहा है उस पर पूरे इंडिया में क्या जिसे कहते हैं एक रिएक्शन नहीं आया? डेफिनेटली आया है, लोग तपे, लोगों ने कहा नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसी तरीके से इस बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैन को मारा गया ये भी गलत हुआ है यार। बुनियादी तौर पर सब कॉन्टिनेंट की ना, सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट की जो पूरी बेल्ट है हमारी जिसमें हम तीनों मेजर कंट्रीज़ आती हैं, ये जो जहालत है ना ये मुझे किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार टीम को सपोर्ट करें, किसी प्लेयर कोई प्लेयर आपको पसंद है उसको सपोर्ट करें, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप अपने सपोर्ट करने में, अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में, अपनी अकीदत में फिर सारी ही जिसे कहते हैं ना हदें पार कर देती हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है। वहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर फिर आप इस किस्म का काम करते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी अपनी रेपुटेशन को ख़राब करता है बल्कि आपकी टीम की रेपुटेशन को ख़राब करता है, आपकी कंट्री की रेपुटेशन को ख़राब करता है। मैं डेफिनेटली बात ये तो नहीं कहूँगा कि सारे क्रिकेट फैंस इंडिया के इसी तरह की गैन नहीं है, आई नो देम, मैं कुछ को पर्सनली जानता हूँ, मतलब मेरा तो अब काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक रहता है इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ, सारे ऐसे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि यार सारों का कोई सुनता कौन है, कौन सुनता है सारों की? अब एक इस एक इंसिडेंट को लेकर ठीक ठाक किस्म का जनाब वो शोर मचाया जा रहा है कि जाहिल लोग हैं, इनको मेहमान नहीं रखने आते, इनको फलाना मसला है, इनको टमकाना मसला है, इनके अंदर इज्जत नफ्स नहीं है, इनकी टीम के इनके मतलब सामने किसी और टीम का स्लोगन मार लगा दो अपनी टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में तो ये गुस्सा कर जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स ना। अब वो जारी बात है बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस तो ये सारी बातें करेंगे और आप अब आप उसके सामने बोल भी कुछ नहीं सकते ना, वो अपने हक पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि उनका एक फ़ैन आया था इतना बड़ा और उसको मारा पीटा गया बिला वजह में, उसने मतलब अगर उसने कोई बात, चलो मैं कहता हूँ उसने कोई गलत बात कर भी दी थी तो दरगुजर कर देते यार, इतना बात का इतना बड़ा बवाल ना मचता। अब बिला वजह में जिसे कहते हैं कि एक बदमजगी पैदा हो गई है कानपुर टेस्ट के पहले ही दिन, बारिश थी, बैड लाइट थी, वो तो थी 35 ओवर्स की गेम हुई, वो तो चलो मज़ा किरकिरा हुआ, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने और मज़ीद चीज़ों को ना ख़राब कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए भाई लोग, सीरियसली ये बहुत गलत चीज़ है, मैं इसको किसी भी सूरत में एंडोर्स नहीं कर सकता। जो मर्ज़ी हो जाए आपकी अपनी टीम से मोहब्बत, अपने प्लेयर से मोहब्बत, वो सारा आँखों के ऊपर, लेकिन अगर आपकी वो मोहब्बत आपको पुश कर रही है कि आप किसी को सूतना शुरू कर दें, कूटना शुरू कर दें, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो पागलपन है, वो जहालत है यार। स्ट्रेट फॉरवर्डली डिसअपॉइंटेड। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।